आज कोस्टल प्लेन और आइलैंड्स को खत्म करके सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट जो भी है, क्योंकि इसमें अभी ज्यादा डीप में नहीं जाना, बट हाँ कुछ टर्म्स हैं, कुछ बेसिक चीजें शायद जो आज नहीं आपको पता चलेंगी, ठीक है, और किस टाइप के क्वेश्चन है वो भी देख लेंगे। तो आज कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड्स खत्म करके हमारा पूरा फिजियोग्राफी, हमारा पूरा जो सेक्शन था फिजियोग्राफी का, वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और कल इससे रिलेटेड जो हमने टॉपिक वाइज एमसीक्यू करते थे वो रैंडम एग्जाम जो होते थे, कोई सीजीएल से उठा लिया, कोई एसएससी से उठा लिया, इस टाइप में, ठीक है, कोई आईबी से भी था क्वेश्चन। पर कल जो क्वेश्चन करेंगे हम इस टॉपिक से, वो करेंगे यूपीएससी एचसीएस और हमारा यूपीपीसीएस। यूपीपीसीएस इसलिए कर रहा हूँ मैं क्योंकि मैक्सिमम नंबर क्वेश्चंस जो क्वेश्चंस है ना, कि जैसे कोई क्वेश्चन है अगर वो प्रीलिम्स में है हमारे यूपीएससी में है, तो वो क्वेश्चन यूपीपीसीएस में भी है, मतलब या तो प्रीलिम्स वालों ने यहाँ से लिया है या यूपीसीएस वालों ने यहाँ से लिया है। तो मतलब जो उनके जो क्वेश्चंस की जो डिजाइनिंग है ना, जो कि जो पूछने का तरीका है वो बिल्कुल सिमिलर है यूपीएससी से, ठीक है। तो हम यहाँ से भी ले लेंगे क्वेश्चन फिजियोग्राफी के, ठीक है। और एक बार जब उसको एमसीक्यू कर लेंगे फिर बस आपको तब रिवाइज करना जब आपका एग्जाम होगा उससे एक दिन पहले, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कोस्टल प्लेन और आइलैंड। अच्छा, कोस्टल प्लेन्स और जो अभी हमने पढ़े थे नदन प्लेन्स पढ़े थे, ठीक है, ये जो थे अपने राजस्थान पंजाब, ठीक है, उन प्लेन्स में और इन प्लेन्स में क्या डिफरेंस है? ये भी प्लेन है, ये भी प्लेन है, तो क्या डिफरेंस है इन दोनों में? हाँ, ये कह सकते हैं कि जो कोस्टल प्लेन्स हैं, ठीक है, दे आर एडजेसेंट टू सी ओशन, ठीक है, कि जहां पे सी और ओशन के पास का जो प्लेन है उसको हम कोस्टल प्लेन्स कहते हैं। अच्छा, सी और ओशन में भी फर्क पता होगा? हाँ, आपको पता ही होगा, आर देखो पता होगा, ओशन और सी का पता है क्या होता है ओशन और सी में डिफरेंस? सी की डिफाइंड लिमिट होती है। अच्छा, और ओशन की? ओशन की मतलब एक एक्सटेंट तक। सी छोटा होता है, सी में काफी साइज में होता है। तो कोई ओशन कब सी बनता है? क्या समझ? यानी कि कोई भी ओशन वाटर, ठीक है, जैसे ये कोई लैंड है, ठीक है, और ये कोई ओशन है पूरे का बड़ा सा कोई ओशन है, ठीक है, पर जैसे ही कोई भी ओशन वाटर जो नियर बाई लैंड होगा, जैसे यहाँ पे जो आसपास में इस लैंड के आसपास में जो भी वाटर होगा उसको हम सी कहते हैं, ठीक है, मतलब ऐसा ओशनिक वाटर है, तो ओशन का ही पानी, ठीक है, ऐसा ओशनिक वाटर जो किसी लैंड को टच कर रहा होता है ना, या किसी लैंड के पास में होता है, उसको हम ओशन नहीं कहते, उसको हम सी कहते हैं, ठीक है, भले सेम हो कि वही पानी आ रहा हो, बट ये है कि जैसे ही एडजेसेंट होता है कि किसी लैंड के पास ओशनिक वाटर आता है उसको हम सी कहते हैं, ना कि ओशन, ठीक है। तो कोस्टल प्लेन्स, चलो पहले थोड़ा बेसिक करते हैं, कोस्टल प्लेन्स ये वाले हैं जहां पे आपका अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, ठीक है, और इंडियन ओशन, ठीक है, इन वाले एरियाज में जहां पे ओशन या सी जहां पे टच हो रहा है, ठीक है, वो सारा का सारा प्लेन है हमारा कोस्टल प्लेन्स में आता है, ठीक है। तो कितने स्टेट्स हैं टोटल और कितनी यूटीज है, टोटल मिला के बताना कि इतने स्टेट प्लस यूटीज, कि इतने टोटल, मतलब स्टेट और यूटीज को मिला के, स्टेट प्लस यूटी को मिला के टोटल कितने हैं? टच करते हैं, हाँ, मतलब जो कोस्टल्स में आते हैं, क्योंकि देखो
यहाँ पे भी ये भी कोस्टल वाला रीजन है, ये भी कोस्टल रीजन है, ये भी पूरा कोस्टल रीजन है, ठीक है। यानी कि ऐसा लैंड जो सी को या हाँ हमारे सी को जो टच कर रहा है, ठीक है। और यूटीज कितनी है? स्टेट तो 9 हो गए, ठीक। 9 स्टेट्स हैं जो टच कर रहे हैं, यानी कि जिसके पास अपनी कोस्ट लाइंस हैं, ठीक है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा है, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, ठीक है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। तीन है, यूटीज तीन है। कौन कौन सी? दादर नगर हवेली एंड दमन दीव एक ही है, ठीक है। तो एक वो हो गई, प्लस पुडुचेरी और अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप। तो 9 + 4 = 13 क्वेश्चन था ये, ठीक है। उन्होंने सिर्फ ये पूछ रखा था, ठीक है, कि टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स एंड द यूटीज, ठीक है, हैव द कोस्टलाइन दैट टचेस द बॉर्डर ऑफ सी इज 13, 11, 12 and 14। हमको तो स्टेट्स तो पता है, ठीक है, प्लस जैसे यूटीज है। अब दादर नगर हवेली को जो अलग अलग मानेगा वो 14 पे टिक करेगा, ठीक है, और जो इसको अब एक हो चुकी है उसको एक ही कंसिडर करेगा। तो दादर नगर हवेली, यहाँ पे पुडुचेरी, ये दो, यहाँ पे लक्षद्वीप और यहाँ पे अंडमान निकोबार, चार ये और 9 स्टेट, तो टोटल हो गया 13। तो 13 ऐसी स्टेट्स और यूटीज जिनके पास अपनी कोस्टल बाउंड्रीज है, कोस्टल लाइन्स है, ठीक है, इनको बेस लाइन भी कहते हैं, याद रखना, ठीक है। बेस लाइन या कोस्टल लाइन्स एक ही चीज़ है, ठीक है। बेस लाइन और कोस्टल लाइन्स, जो कोस्टल प्लेन्स हैं, इनको बेसिकली हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक है वेस्टर्न और एक है ईस्टर्न, ठीक है। जैसे वेस्टर्न घाट्स थे वैसे यहाँ पे वेस्टर्न प्लेन्स, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, और जैसे यहाँ पे ईस्टर्न घाट थे तो यहाँ पे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ठीक है। वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, देखो दोनों के लिए बात कर रखी है। फ्लैट, सबसे पहले ये फ्लैट होते हैं, जैसे हमारे नदन प्लेन्स है, ठीक है, ये भी एक फ्लैट है। फ्लैट्स के लिए हमने क्या वर्ड यूज किया था, जहां पे फीचर्स नहीं होते, मोनो, आगे किश्तों में बता रहे हो, मोनोटोनस, ठीक है। तो ये जो कोस्टल प्लेन्स है ये टोटली फ्लैट है, ठीक है। लो लाइन लैंड, यानी कि कहीं कहीं ऐसा है जहां पे लैंड नीचे भी है, लो लाइन लैंड, ठीक है। एडजेसेंट मतलब बिल्कुल साथ में, एडजेसेंट का मतलब होता है बिल्कुल साथ में, बराबर में, ठीक है। एडजेसेंट टू सी, यानी कि जो हमारे कोस्टल प्लेन्स है, ठीक है, वो एक तो फ्लैट है, लो लाइन है, ठीक है, और एडजेसेंट है सी के, यहां पे सी है तो इसके जस्ट बराबर में, यहां पे सी है तो यहां पे, इनके जस्ट एडजेसेंट में आते हैं हमारे कोस्टल प्लेन्स। दो पार्ट्स में डिवाइड है, वेस्टर्न एंड कोस्टल, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न। इंडियन की कोस्टलाइन टोटल, मतलब अगर हम 13 को काउंट करें, जिसमें हमारे 9 स्टेट्स प्लस 4 यूटीज, ठीक है, दोनों को कंसिडर करें तो 7516 किलोमीटर। एस सी एस में एक बार क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है। तो टोटल कोस्टलाइन 7516 किलोमीटर इंक्लूडिंग 13, यहाँ पे 13 लिख लेना, जिसमें हमारे 9 स्टेट्स भी इंक्लूड है, उनकी लेंथ प्लस हमारे जितने भी आइलैंड्स हैं उनकी को भी कंसिडर करके। और अगर सिर्फ मेन लैंड की बात करें तो 6510, मतलब ये कि अगर हम सिर्फ इन स्टेट्स को देखें
यहाँ तक बस, इन्हीं की लेंथ को काउंट करें तो 6000 किलोमीटर। और अगर हम इसमें लक्षद्वीप को भी ऐड कर लें और अंडमान निकोबार को भी ऐड कर लें तो 7516 किलोमीटर। ठीक है, सेकंड, द स्ट्रेट एंड द रेगुलर कोस्ट लाइन, ठीक है, रेगुलर कोस्ट लाइन रिजल्ट ऑफ द फॉल्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड ड्यूरिंग द क्रेटेशियस पीरियड, यानी कि ये जो फॉर्मेशन है इसकी, ठीक है, क्रेटेशियस पीरियड की है। अब आप एक मुझे बात बताओ, क्रेटेशियस पीरियड COMP पढ़ा था हमने, पढ़ा था जब हमने फॉर्मेशन ऑफ हिमालयस पढ़ रहे थे, ठीक है, सी से क्रेटेशियस ही था, ठीक है, जहां पे क्या हुआ था, क्या इंपॉर्टेंट हुआ था इस पीरियड में, कोम्पाले में जब हमने देखा था कि ओलोगोसीन में ग्रेटर बने थे, मियो में हमारे लेसर हिमालयस बने थे, ठीक है, उसमें प्लायोसीन में हमारे शिवालिक बने थे, ठीक है, तो सी से जो पहले क्रेटेशियस था उसमें क्या हुआ था, हाँ ठीक है, जिसमें पेंजिया जो था वो ब्रेक डाउन हुआ था, ठीक है। सेकंड, द इंडियन कोस्ट लाइन लाई ऑन द आइदर साइड ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू, ये देखो इस पूरे को भले ही अलग अलग है कि यहाँ पे जैसे मेवाड़ है, ठीक है, इधर बुंदेलखंड है, इधर बाघेलखंड है, छोटा नागपुर है, मालवा प्लेट्यू है, डेक्कन प्लेट्यू है, बट हम इस पूरे पेनिनसुला को यहाँ तक, ठीक है, पूरे को डेक्कन प्लेट्यू कहते हैं, हाँ इसके रीजनल लेंथ अलग है, बट हम पूरे को एज अ डेक्कन प्लेट्यू कंसिडर करते हैं। हमारे कोस्टल प्लेन्स हैं ये इस डेक्कन प्लेट्यू के दोनों तरफ है, आइदर साइड, यानी कि इधर भी है और इसके इस तरफ भी है। टचेस वही आपको यहाँ पे उसमें लिख लेना अपने जो भी स्टेट्स हैं, जैसे गुजरात हो गया, ठीक है, स्टेट्स के नाम प्लस यूटीज अपॉन द बेसिस ऑफ डायरेक्शंस, दो पार्ट में है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। तो सबसे पहले वेस्टर्न से शुरू करते हैं, वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स, सबसे पहले ये है गल्फ ऑफ खम्बत से लेके कैप कैमरून तक, यानी कि जो वेस्ट कोस्टल प्लेन्स है वो यहां से गल्फ ऑफ खम्बत है इधर, ठीक है, मैप में भले देख लेना उधर वो मिलेगा, ये जो वाटर बॉडी है इधर, ठीक है, ये है गल्फ ऑफ खम्बत, और ये क्या है, इधर कौन सा वाटर बॉडी है, गल्फ ऑफ कच्छ, ठीक है, और यह गल्फ ऑफ खम्बत, यानी कि जो वेस्ट कोस्टल प्लेन है, ठीक है, जो वेस्ट की साइड में है वो गल्फ ऑफ खम्बत से लेके केप कैमोरिन तक है, कैमोरिन मींस हमारा कन्याकुमारी, ठीक है, कि यहां से लेके इसकी जो एक्सटेंशन है वो यहां तक है, गल्फ ऑफ खम्बत से लेके केप कैमोरिन तक, और केप कैमोरिन मतलब वही ब्रैकेट में लिख लेना कन्याकुमारी, ठीक है। ये हो गया सेकंड, डिवाइडेड इनटू, यानी कि जो ये सेक्शन आपने पूरा देखा है ये तीन पार्ट में डिवाइड है, कोंकण, कन्नड़ और केरला, ठीक है, यानी कि जो ये वेस्ट वाला पार्ट है, अभी हम वेस्ट की बात कर रहे हैं, तो जो वेस्ट प्लेन है ये तीन पार्ट में डिवाइड है, एक है कोंकण, ठीक है, एक है कन्नड़ और फिर है केरला, केरला कोस्ट, ये तीन पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है, मेजरली कोंकण, आपका कन्नड़ और केरला, ठीक है। अच्छा एक चीज और सुनो, ये चीज पढ़ने से पहले, कोस्ट ऑफ एमर्जेंस एंड कोस्ट ऑफ सबमर्जेंस सुन रखे ना, नहीं सुन रखा,
कॉस्ट ऑफ एमरजेंस क्या होता है, कॉस्ट ऑफ सबमर्जेंस क्या होता है, ये देखो एमरजेंस तो जो ऊपर निकल आया सबमर्जेंस तो नीचे चला जाए, यानी कि ये कोई लैंड है ठीक है, और यहां पे है सी ठीक है। अगर इसको मैं अगर ये लैंड मान के चलो नीचे चली गई, ये यूं चली गई ठीक है, और जो पानी का लेवल था वो भी यहां तक आ गया ठीक है, तो किस टाइप का कोस्ट हुआ, कोस्ट ऑफ सबमर्जेंस, यानी कि ऐसा ऐसा लैंड, यानी एक ऐसा लैंड का ट्रैक, ट्रैक मतलब पूरा एक ऐसा पाथ ठीक है, मतलब एक ऐसा एरिया जो पानी के अंदर चला गया ठीक है, उसको हम कहते हैं कोस्ट। कोस्ट क्यों, क्योंकि ऐसा लैंड जो बिल्कुल सी के बिल्कुल पास में एडजेसेंट है, तो इसलिए वर्ड यूज किया कोस्ट, और अंदर चला गया तो सबमर्जेंस। तो अभी बात बताओ सबमर्जेंस, आपने बोल दिया कि सर ऐसा लैंड जो पानी के अंदर चला गया ठीक है, तो पानी के अंदर जाने के क्या तरीके हो सकते हैं, दो तरीके क्या हो सकता है, एक तो या तो वाटर लेवल या तो वाटर लेवल ऊपर चला जाए ठीक है, या लैंड नीचे चली जाए, आई थी समझ में, या इसको तो हमने हमने यहाँ पे तो लैंड नीचे कर दिया, अगर वरना इसके दूसरा केस में हम इसका ये पहला केस है, सेकंड केस में ये लैंड था ठीक है, ये नॉर्मल है ठीक है, अब हमने क्या किया पानी का लेवल ऊपर कर दिया, लैंड अपनी जगह ही है बट पानी का जो लेवल है वाटर लेवल है वो राइज कर गया, तो ऑटोमेटिकली सबमर्ज हो गया ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कोस्ट ऑफ सबमर्जेंस, गॉट इट। और कोस्ट ऑफ एमरजेंस में क्या होगा, इसी का उल्टा, ये लैंड है ठीक है, और ये नॉर्मल कंडीशन में यहां पानी है ठीक है, ये नॉर्मल कंडीशन में, तो इसका जो पहला सिनेरियो देखें, या तो लैंड ऊपर चला गया ठीक है और पानी यहीं रहेगा, या सेकंड सिनेरियो में पानी का लेवल नीचे चला गया, लैंड अपना वही है ठीक है, पानी का लेवल जो है नीचे चला गया और जो लैंड थी वो ऑटोमेटिकली बाहर आ गई, तो ऐसे को हम कहते हैं कोस्ट ऑफ एमरजेंस, यानी कि ऐसा लैंड जो बाहर आ गया पानी से और सबमर्जेंस जो पानी के अंदर चला गया। ये बताओ तो पोर्ट्स बनाने के लिए ठीक है, पोर्ट्स बनाने के लिए हार्बर जहां पे शिप्स वगैरह होती है वहां पे एमरजेंस अच्छा रहेगा या सबमर्जेंस अच्छा रहेगा, सबमर्जेंस क्यों, क्योंकि सर वहां से शिप्स को उतारना आसान हो जाएगा, शिप्स को उतारना आसान हो जाएगा, प्लस जो पोर्ट है वो हम काफी अंदर तक बना सकते हैं ठीक है। क्योंकि पोर्ट्स या शिप्स के लिए पानी कैसा होना चाहिए, डीप होना चाहिए भाई, तभी तो आप पोर्ट्स या शिप को उतारोगे ठीक है, शैलो तो नहीं चलेगा ठीक है। यानी कि अगर ये लैंड है ठीक है और यहां पे वो है पानी और यहां पर आपकी है शिप, हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेके चलो ठीक है, अगर ये सबमर्जेंस हो जाए ठीक है, अगर ये सबमर्जेंस हो जाए तो अब पानी का लेवल कहां तक आ जाएगा, आगे तक आ जाएगा ठीक है, तो जो आपका पोर्ट बनेगा वो और आगे तक आ सकता है ठीक है। यानी कि ऐसी कंडीशंस में जहां पे कोस्ट जो है वो सबमर्जेंस है वहां पे बेस्ट मतलब एक बेस्ट एक वो होता है एरिया होता है पोर्ट्स के लिए ठीक है, तो इस वजह से ही आप देखोगे कि यहां पे इस वाले एरिया में आपको सबसे ज्यादा पोर्ट्स मिलेंगे ठीक है, जेएलएन है ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ठीक है, काफी पोर्ट्स हैं, तो चलो उसमें करेंगे जब हम ट्रांसपोर्टेशन वाले करेंगे, पर ये देखोगे जबकि इस वाले एरिया में ना इस वाले एरिया में सबसे ज्यादा पोर्ट्स मिलेंगे, क्यों, क्योंकि ये है कोस्ट ऑफ सबमर्जेंस ठीक है। ये वाला पोर्ट, ये वाला पोर्ट कैसा हो सकता है, ये वाला पोर्ट कैसा है, ये एमरजेंस में है, क्यों, उठने के बाद क्या हुआ था, पीछे वाला पोर्शन सारा के सारा बाहर आ गया था,
ठीक है, और बाहर आने की वजह से क्या हुआ, ये एमरजेंस बन गया और यहाँ पे आपको पोर्ट नहीं मिलेंगे, ठीक है। और जो ये वाला कोस्ट है हमारा ईस्टर्न, ये सारा का सारा एमरजेंस में है, यहाँ पे समर्जेंस है ही नहीं। आई चीज समझ में? तो अभी आपने देखा कि इसको कहते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ये है हमारा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ठीक है। ज्यादा इस पे आपको अगेन पीएचडी करने की जरूरत नहीं, इतने खास क्वेश्चंस आते नहीं है, ठीक है। जितना भी आप पढ़ोगे ना तो ये मान के चलो मोर देन एनफ है। यहाँ से जब क्वेश्चंस करोगे ना तो कहोगे सर ये तो बहुत बेसिक्स क्वेश्चन आ रखे हैं, इतना तो हमको पढ़ने की जरूरत भी नहीं थी, ठीक है। बट हमें ये कि हमें क्वेश्चन ही छोड़ना है भी। तो हमने ये देखा कि इस वेस्ट इस वाले कोस्टल प्लेन्स को तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक है कोंकण, एक है कन्नड़ और एक है केरला, ठीक है। जो कोंकण वाला है ना, याद रखना ये कोंकण वाला, ये है हमारा कोस्ट ऑफ सबमर्जेंस, यानी कि ये ऐसा पार्ट है जो कि पानी के अंदर गया हुआ है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा आपको पोर्ट्स यहीं मिलते हैं, प्लस ये वाला कन्नड़ केरला और पूरा का पूरा ये ईस्टर्न वाला, ये सारा का सारा है कोस्ट ऑफ एमरजेंस, यानी कि ऐसा लैंड जो पानी से बाहर आ रखा है, ठीक है। और यहाँ पे आपको बहुत कम मिलेंगे हमारे पोर्ट्स, ठीक है। तो ये देख लिया इट डिवाइडेड इनटू तीन पार्ट, ठीक है, कोंकण, कन्नड़ और केरला। इट इज मेड ऑफ द एलुवियल बाय द रिवर फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स। अब ये देखो यहां पर आपको पता है क्या है वेस्टर्न घाट्स है, ठीक है, पूरे पे वेस्टर्न घाट्स है और इधर है हमारा अरेबियन सी। तो ये जितना भी ग्रीन वाला पोर्शन है ना, ये ग्रीन वाला यहां पर है हमारे कोस्टल प्लेन्स, ये ठीक है। यानी कि एक साइड तो अरेबियन सी है और दूसरी तरफ क्या है वेस्टर्न घाट, ठीक है। और यहां पर है पूरा आपका पूरा हमारा कोस्टल प्लेन्स। और कोस्टल प्लेन्स की बना कैसे, कोस्टल तो देख रखा हो ना, ये देखो इस टाइप में, ठीक है, कि एक तरफ तो हमारा अरेबियन सी हो गया, ठीक है, बीच में ये कोस्टल प्लेन्स पूरा और दूसरे की साइड में हमारे वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। प्लस अब ये देखो कि ये जो फॉर्मेशन है ये वाली इस टाइप की, ठीक है, ये जो प्लेन्स हैं ये बने कैसे हैं, वर्ड यूज कर रखा है एलुवियम, ठीक है। यानी कि ये हमारा सी हो गया, ये प्लेन्स हो गए और साइड में है वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट लो ऐसे बना देते हैं, ठीक है। ये कोस्टल प्लेन्स, ये हमारा अरेबियन सी और यहां पर है वेस्टर्न घाट्स। अगेन इट इज फॉर्म्ड बाय द एलुवियम, यानी कि यहां से जो रिवर इस तरह से फ्लो होके आ रही है, ठीक है, इधर से फ्लो होके आ रही है, अपने साथ वेस्टर्न घाट का सेडिमेंट्स लेके आती है, ठीक है, उन सेडिमेंट्स को यहां डिपोजिट कर देती है, इधर डिपोजिट कर दिया, ठीक है। और इसी डिपोजिशन की वजह से बने हैं पूरे के पूरे हमारे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ठीक है। यानी कि यहाँ पे भी सेम वही सिनेरियो है जो कि हमारे नदन प्लेन में चल रहा था, कि जो रिवर्स थी वो सेडिमेंट्स लेके आती थी हिमालय से, यहाँ लेके आ रही है कहाँ से, वेस्टर्न घाट से,
ठीक है, तो और वो सारा का सारा डिपोजिशन कर देती है प्लेन्स पे, तो उन प्लेन्स पे आपको ऐसे येलोइश कलर का वो दिखाई देता है पूरा प्लेन, ठीक है, वो सारा का सारा है एलुवियम, यानी ऐसा सेडिमेंट जो रिवर लेके आती है, ठीक है। और उसके बाद उसके डिपोजिशन के बाद यहाँ पर बन गए चुके हैं हमारे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ठीक है। अगेन एक और चीज है, इट इज अ नैरो स्ट्रिप। नैरो का मतलब क्यों, नैरो का मतलब ये है कि इनकी जो विड्थ है, ठीक है, वो मैक्सिमम मैक्सिमम 70 किलोमीटर तक है मैक्सिमम, यानी कि 70 किलोमीटर का मतलब ये है कि इनकी जो विड्थ है कि यहां पे तो अरेबियन सी है भाई, ठीक है, इधर तो अरेबियन सी है, इधर वेस्टर्न घाट हो गई है पूरे में, तो जो इनकी विड्थ है यहां पे, ठीक है, ये नैरो है, मतलब ज्यादा वाइड नहीं है। अगर हम कंपैरिजन करें ईस्टर्न की साइड से तो ईस्टर्न की ज्यादा वाइड है, ठीक है, और वेस्टर्न की देखें लो पूरा एक क्लियर करता हूं, इनकी जो विड्थ है वो आपको इतनी मिलेगी, थोड़ी बहुत मैंगलोर साइड में थोड़ी ज्यादा है, ठीक है, अदरवाइज पूरी की पूरी नैरो स्ट्रिप है। इधर हो गए हमारे अरेबियन और इस इधर इसके साइड में हो गए वेस्टर्न घाट, और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की देखें तो ये थोड़े वाइड है, ठीक है, और बीच बीच में ईस्टर्न घाट्स भी हैं, पर कोस्टल प्लेन्स की बात करें तो नैरो वेस्टर्न की तरफ है, वाइड है ईस्टर्न की तरफ। रीजन बता सकता है कोई? तो डेल्टा इधर क्यों नहीं है, इधर क्यों नहीं है वेस्टर्न? चलो एक रीजन हो गया कि सर जो देखो रीजन रिवर तो इधर भी बहुत है, ठीक है, जब रिवर वाले सेक्शन में करेंगे तो कम से कम भी यू मान के चलो 12-13 रिवर तो इधर भी हैं जो इधर की जो वेस्ट की तरफ फ्लो कर रही हैं, ठीक है, पर आपने चलो ये कहा कि सर मेजर रिवर्स नहीं, इसको हम कहेंगे कि लार्ज रिवर्स, मेजर की जगह वर्ड यूज करो लार्ज, ठीक है, जैसे हमारी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है, जो जिनकी जो इंटेंसिटी है वो हाई है, ठीक है, तो वो तो फ्लो कर रही है। और ये हो सकता है कि वेस्ट घाट्स तो कंटिन्यू चेन में है तो बाउंड्री फॉर्म कर देते हैं वो सारे कटे फटे में, तो उससे हमें ये थोड़ा साल में हो गया। अच्छा, और रिवर से रिलेटेड और क्या हो सकता है कि इधर के नैरो है उधर के वाइड है, बोलो। पहली चीज ये है यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है रिवर की लेंथ को लेकर, जितनी ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा इरोजन, ठीक है, यहाँ पे जो लेंथ है वो अराउंड 1000 किलोमीटर तक है इधर तक, और इधर तो कुछ भी नहीं है, इधर सारी की सारी स्मॉल स्ट्रीम्स हैं, इनको तो रिवर भी नहीं कहते हैं, स्ट्रीम्स कहते हैं जो बिल्कुल छोटी रिवर्स होती हैं, ठीक है, और लेंथ छोटी है तो इतना इरोजन नहीं कर पाती, और इरोजन नहीं कर पाती तो इतना सेडिमेंट्स नहीं आता, और इतना सेडिमेंट्स नहीं आता तो डिपोजिशन कहाँ से करेंगे इतना ज़्यादा, ठीक है, प्लस यहाँ पे जो गोदावरी रिवर है उनकी पूरी की पूरी एक लंबी पूरी लेंथ है, ठीक है, एक लॉन्ग रूट पे इरोजन करती हैं, इरोजन करने के बाद यहाँ पे सारे सेडिमेंट्स डिपोजिट करती हैं, प्लस इन्होंने इन्होंने रिवर्स ने भी, ठीक है, रिवर्स का भी हाथ है किसमें, इरोजन जो ईस्टर्न घाट को इरोड कर दिया, ठीक है, वो भी, और उन ईस्टर्न घाट को जो इरोड किया है उनके सेडिमेंट्स भी ईस्टर्न में, ठीक है, तो यहाँ पे जो सेडिमेंट है ईस्टर्न वाले में वो दो टाइप के हैं, एक तो रिवर्स के थ्रू आया हुआ है और एक ईस्टर्न घाट का इरोजन जो भी हो रहा है उसके सेडिमेंट भी यहीं आ रहे, ठीक है, प्लस रिवर जो अपने साथ लेके आ रही है उसके भी सेडिमेंट यहीं आ रहे हैं, तो इस वजह से ये थोड़ा ब्रॉड है, ठीक है, यहाँ पे इस साइड में वेस्टर्न घाट का कोई इरोजन नहीं हो रहा है, वो सिर्फ वेस्ट साइड में हो रहा है थोड़ा बहुत, और हल्का फुल्का जो सेडिमेंट्स लेके आते हैं वो इतना यहाँ पर डिपोजिशन हो जाता है, इतनी लॉन्ग लेंथ इतनी नहीं है रिवर की, उनको तो हम बेसिकली स्ट्रीम्स वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, तो इस वजह से यहाँ के नैरो है और इधर के ब्रॉड है। सेकेंड, विड्थ अप टू 50-100 किलोमीटर, ज्यादा विड्थ नहीं है, आपको अलग अलग मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, कहीं 100 मिला हुआ कहीं 110, फिगर पे ध्यान मत देना। सेकेंड, रिवर फ्लोज टू वेस्ट, ठीक है, कि ऐसी रिवर्स जो कि इस कोस्टल को, यानी कि वो रिवर, वो हम वैसे ड्रेनेज वाले में करेंगे, कि ऐसी रिवर जो इस कोस्टल प्लेन्स के थ्रू फ्लो करती है, ठीक
ठीक है, इस कोस्टल प्लेन्स के थ्रू फ्लो करती हैं। सबसे पहले माही है, ठीक है, आपकी नर्मदा है, तापी है, मंडोवी है, ज्वारी है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे तो हम उसमें भी करेंगे महाराष्ट्र में कौन सी है, ठीक है, गोवा की कौन सी है, कर्नाटक में कौन सी है और केरला में कौन सी है, ऐसी रिवर जो वेस्ट फ्लोइंग है वहाँ पे हम उनकी हम डायरेक्शन के हिसाब से करेंगे। यहाँ पे वही चीज़ इसमें भी इंक्लूड हो जाएगी कि ऐसी रिवर जो इस कोस्टल प्लेन्स को कट कर रही है। तो जैसे इंपॉर्टेंट रिवर है तापी, माही, नर्मदा रिवर जो कि वेस्ट फ्लोइंग है, और वेस्ट फ्लोइंग का मतलब ये है कि वेस्ट कोस्टल प्लेन्स के थ्रू ये जाती हैं, प्लस आगे मंडोवी और ज्वारी, ये इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं गोवा की, ठीक है। एनसीईआरटी में भी साफ साफ लिख रखा है मंडोवी एंड ज्वारी इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ गोवा जो कि वेस्ट फ्लोइंग है, यानी कि वेस्ट कोस्टल प्लेन्स के थ्रू पास होती हैं, ठीक है। मंडोवी और ज्वारी गोवा की है। अब देखो रीजनल वाइज इस पूरे को चार पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वैसे मेजरली तीन है पर रीजनल वाइज हम इस पूरे वेस्टर्न कोस्ट को, ठीक है, चार पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले है ये आपका कच्छ और कठियावर, कोंकण, कन्नड़ और मालाबार, यानी कि ये देखो सबसे पहला जो कोस्ट है वो ये है कच्छ, ठीक है, ये है कच्छ कोस्ट, ये वाला है इधर से इधर तक कठियावर कोस्ट, ठीक है, इधर से इधर तक पूरे को यहाँ पे इसी का वैसे पार्ट है, वैसे गुजरात प्लेन्स भी कहते हैं या इसको कोंकण में काउंट कर लेते हैं। तो एक तो ये हो गया कच्छ, एक हो गया हमारा कठियावर, फिर है पूरा का पूरा कोंकण, ठीक है, फिर है कन्नड़, और लास्ट में है मालाबार या केरला कोस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे कच्छ और कठियावर रीजन, ये वाला जो कोस्ट है जिसको कहते हैं हम कच्छ पेनिनसुला, ठीक है, ये कच्छ पेनिनसुला है और यहां पर है कच्छ कोस्ट, इधर जो पानी है इधर की तरफ, ठीक है, इसको हम कहते हैं गल्फ ऑफ कच्छ। यहां पे जो पानी यहां तक आ रखा है इसको हम कहते हैं गल्फ ऑफ खम्बन, ठीक। तो ये हो गया कच्छ, ये हो गया पूरा का पूरा कठियावर पेनिनसुला, और ये जो कोस्ट है इधर से लेके पूरा का पूरा इधर तक, ये इसको हम कहते हैं कठियावर कोस्ट। और इधर एक बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है, इधर माउंटेन की एक रेंज है, ठीक है, देखना एटलस में क्या है, गिर, ठीक है, गिर रेंज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बिल्कुल साउथ गुजरात के बिल्कुल साउथ में इधर, ठीक है। कुछ इसके बारे में इंपॉर्टेंट, वही द एक्सटेंशन ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, बस आपको बस ये याद रखना है कि इस वाले कोस्ट को कच्छ कोस्ट कहते हैं, इस वाले को हम कठियावर कोस्ट कहते हैं, ठीक है, और इसके एडजेसेंट में कठियावर कोस्ट के एडजेसेंट में कौन सी रेंज है, गिर रेंज, ठीक है। जैसे कोंकण के एडजेसेंट में कौन सी रेंज है, प्रश्न घाट, ठीक है, तो वैसे ही कठियावर कोस्ट के एडजेसेंट में है हमारी गिर रेंज इधर, बस और कुछ भी इंपॉर्टेंट इसके बारे में नहीं है। आगे है गुजरात प्लेन, गुजरात प्लेन यहां से लेके ठीक है, जैसे यहां से गुजरात का जो मैप ऐसे है ना, कुछ यूं करके है, ठीक है, तो जितना गुजरात का पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, इसको कहते हैं गुजरात प्लेन्स, ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ अ कोस्टल प्लेन। और अगर देखा जाए तो ये पार्ट है कोंकण वाले का,
ठीक है, कोंकण कई पार्ट है बट रीजनल में हम इसको कहते हैं गुजरात प्लेन्स। इट द देखो स्लो टचिंग ऑफ द वेस्टर्न एंड द वेस्टर्न एंड द साउथ वेस्ट, यानी कि जिसका स्लोप है, ठीक है, जो इसका स्लोप है, इस कोस्टल का जो स्लोप है वो वेस्ट की तरफ है, यानी कि वेस्ट की तरफ है ऐसे। ठीक है, यहां पर स्लोप लिख देना, स्लोप टूवर्ड्स वेस्ट एंड साउथ वेस्ट, यानी कि स्लोप जो है वो ऐसे है और साउथ वेस्ट इधर की तरफ है, और स्लोप इधर की तरफ है तो आपको पता है माही, नर्मदा और जो तापी रिवर है, ठीक है, वो भी यूं ही फ्लो करती है वेस्ट की तरफ, क्यों, क्योंकि स्लो भी उधर की तरफ है, किसका, गुजरात प्लेन्स का। फाउंड बाय द रिवर नर्मदा तापी एंड माही, ये जो रीजन है ना, मैं आपको दिखाता हूं गुजरात प्लेन्स का मैप में, ये देखो ये वाला, ठीक है, ये हो गया हमारा कच्छ कोस्ट, ये पूरा का पूरा कठियावर कोस्ट, ये गल्फ ऑफ कच्छ, ये गल्फ ऑफ खंबर, ठीक है, यहां से यहां तक जितना भी गुजरात वाला पोर्शन है, ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ कोंकण बट रीजनली हम इसको कहते हैं गुजरात प्लेन्स, ठीक है, जिसका स्लोप है वो वेस्ट की तरफ है ऐसे और साउथ वेस्ट की तरफ, तो इस वजह से, इस स्लोप की वजह से जितनी भी रिवर है, नर्मदा तापी साबरमती माही, ठीक है, उनकी डायरेक्शन भी, उनकी डायरेक्शन भी इसकी तरफ है, वेस्ट की तरफ, ठीक है, और दिस प्लेन इज अ गुड फॉर एग्रीकल्चर, ठीक है, यहाँ पे एग्रीकल्चर है, प्लस यहाँ पे जो रिवर है कौन सी, नर्मदा तापी, ये सब ये डेल्टास बनाती है, डेल्टास बनाती हैं, मतलब आपको डेल्टा मिलेगा इधर नहीं मिलेगा, ठीक है, देखो जैसे ये है, ये डेल्टा है पूरा, ठीक है, पूरा का पूरा डेल्टा ये पूरा, यानी कि ऐसा सेडिमेंट्स जब बिल्कुल रिवर अपने साथ लेके आती है और माउथ पे, यानी कि जब बस समुद्र में या सी में जो भी है, ठीक है, उसमें मर्ज होने से पहले जितना भी डिपोजिशन कर देती है, उस पूरे लैंड को कहते हैं हम डेल्टास, ठीक है, तो ये डेल्टा नर्मदा, ये तो गंगा का मान के चलो, ऐसा गंगा का है, ब्रह्मपुत्र का है, तो नर्मदा और ये जो तापी है ये ऐसा क्यों नहीं बनाती डेल्टास, वो डायरेक्टली पानी में गिर जाती है, यानी कि आपको मैं अगर उसमें फिगर में दिखाऊं, यानी कि यहां से अगर गंगा रिवर आई है, ठीक है, और यूं जाके गई है, तो उधर इसने तो बिल्कुल बना दिया डेल्टा, ठीक है, पूरे में डेल्टा बना दिया एक तरह से मान के चलो, ठीक है, पूरा एक पूरा मडी रीजन जिसको मार्शलैंड कहते हैं, पूरा का पूरा बना दिया, और इधर वहीं पे दो रिवर है नर्मदा और तापी, वो एज इट इज गई पानी में, कोई डेल्टा का फॉर्मेशन नहीं, ठीक है, इनको हम कहते हैं एस्चुरीज, एस्चुरीज सुन रखे हैं नाम एस्चुरीज का, ठीक है, तो यहां पे तो इस रिवर ने तो बना दिया डेल्टा, ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र जो भी रिवर्स थी यहां पे उन्होंने तो बनाया डेल्टा, यानी कि गिरने से पहले पूरे में ब्रांचेस में अलग अलग हुई, ठीक है, और पूरे में सेडिमेंट्स डाल दिए, तो बन गया डेल्टा। इधर क्या हुआ, इधर रिवर आई
और सीधा पानी का, कोई डेल्टा का फॉर्मेशन नहीं, ठीक है। तो क्यों, क्या रीजन है कि नर्मदा और तापी जो रीजन, जो रिवर्स हैं, वो डेल्टास नहीं बनाते, और ऐसे जब डेल्टास नहीं बनाते हैं उसको कहते हैं एस्टुरीज, ठीक है। और ये नर्मदा और तापी का हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अभी हम पढ़ रहे हैं हमारा गुजरात प्लेन्स, ये ठीक है, ये हम देख लिए। इसको कच्छ कहते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट याद नहीं रखना, इसको हम कठियावर कहते हैं। कठियावर के जस्ट साइड में है ऊपर गिर रेंज, ठीक है, इधर एक पहाड़ की रेंज है जिसको नाम है गिर, और यहाँ पर है गुजरात प्लेन्स, और यहीं पर है दो रिवर्स, नर्मदा और तापी, ठीक है। नर्मदा तापी रिवर है, दो बड़ी रिवर्स है, तो जो एग्रीकल्चर के लिए जो लैंड है ये बिल्कुल प्रोमिनेंट है, बहुत अच्छा लैंड है एग्रीकल्चर के लिए, बट यहाँ डेल्टा क्यों नहीं बनता, रीजन सतपुड़ा और विंध्यास से आती है ना, हाँ तो क्या सतपुड़ा और विंध्यास बहुत पुरानी है ना, हाँ तो वो रोक जो है वो हार्ड रोक हम कहलो से इतना ही सही है। चलो हाँ बिल्कुल, पहला पॉइंट बिल्कुल सही है कि सर ये आती है रिफ्ट वैली से, पहली बात, ठीक है, रिफ्ट वैली पता है ना, ठीक है, यहाँ से आती है। ये जो माउंटेन्स हैं इतने पुराने हैं, इतने हार्ड रॉक हो चुके हैं कि इनका इरोजन नहीं होता, इरोजन नहीं होगा तो मतलब इसमें से कुछ फूट के रिवर में नहीं आएगा, रिवर अपने साथ कुछ तोड़ ही नहीं पाएगी, ठीक है, मतलब तोड़ी नहीं पाएगी तो उसके साथ कुछ सेडिमेंट नहीं आ पाएंगे, और सेडिमेंट नहीं आ पाएंगे तो डिपोजिट क्या करेगी, ठीक है। तो पहला रीजन तो ये हो गया, सेकेंड स्लोप की वजह से क्या, डेल्टा तो जब बनाते हैं जब उसकी स्पीड कम होती है तो चलो स्पीड को लेके, फिर अगर आप इसको हम कहेंगे तो हमारा फोर्थ पॉइंट होगा ये स्पीड को लेके, और क्या रीजन है कि वहां पे तो इतना बड़ा डेल्टा बन रहा है कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा बनता है, ठीक है, लेंथ ज्यादा है उसकी। चलो लेंथ को हम थर्ड पे रख लेते हैं, सर लेंथ ज्यादा है, और सेकंड पे, है ट्रिब्यूटरीज, ये गंगा ने बना दिया अपना यहां पे डेल्टा पूरे में, ठीक है। तो गंगा को तो सेडिमेंट्स मिल ही रहा है, इनके जो ऊपर रिवर है घाघर, गंडक, कोसी, ठीक है, रामगंगा, ये भी हिमालयन रिवर्स है, ये भी अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आ रही है, और सारा सेडिमेंट कहाँ दे रही है, गंगा रिवर को, और ये गंगा रिवर फाइनली यहाँ पर डिपोजिट कर दिया। नर्मदा और तापी की इतनी ट्रिब्यूटरी नहीं है, मतलब एक तो वो खुद सेडिमेंट इरोड नहीं कर पा रही है, प्लस कोई और उनकी ट्रिब्यूटरी भी नहीं है कि जो उनको सेडिमेंट्स ला के दे दे, ठीक है। और अगर ट्रिब्यूटरी ऐसा नहीं कि नहीं है, है, पर वो भी तो एक रिफ्ट वैली से आ रही है, ठीक है, वो भी तो एक हार्ड रॉक से आ रही है, वो भी कहाँ से सेडिमेंट्स लेके आएंगे, तो एक तो ट्रिब्यूटरी भी कम है, प्लस ट्रिब्यूटरी का भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है सेडिमेंट्स में, और सेडिमेंट्स में कंट्रीब्यूशन नहीं है तो फाइनली जो है वहां पे वो डेल्टा बना ही नहीं पाते, क्योंकि डेल्टा बनाने के लिए सेडिमेंट्स चाहिए, ठीक है। तो ये था गुजरात प्लेन एरिया गुड फॉर एग्रीकल्चर, बस, और इसके बारे इसके चौथा पॉइंट इसमें से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आगे है कोंकण एक्सटेंड फ्रॉम द दमन टू गोवा, ठीक है, यानी कि हमारा जो यहां पे दमन है, ठीक है, दमन से लेके पूरा का पूरा गोवा तक, दमन से लेके गोवा तक, इधर है गोवा दमन, पूरा का पूरा ये जो रीजन है, ठीक है, इसको हम कहते हैं कोंकण, कोंकण कोस्ट, और ये है कोस्ट ऑफ एमरजेंस, नहीं सॉरी कोस्ट ऑफ समर्जेंस, इधर की तरफ, ठीक है, बस, और कुछ इसके बारे में इंपॉर्टेंट याद नहीं रखना। हाँ अच्छा, कल एक चीज आ रखी थी, मैंने कल क्वेश्चन पढ़ा थे, कल वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट पढ़ा था ना, ठीक है, कल ये देखना कि उन वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में हमारे नेशनल पार्क कितने हैं, ठीक है, क्योंकि देखो ऐसी चीजें ना, मैं वही बता रहा हूँ, क्वेश्चन से ही आएंगे, ऐसे मैं आपको 100 से 100 बताने लग गया तो ऐसा तो आपको एकेडमी वाला नहीं होगा कि जो एग्जैक्ट आपको बता दे कि ये पढ़ लो, थोड़ा अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना,
ठीक है, क्योंकि मैंने कल क्वेश्चन देखा तो लिटरली मुझे रिलैक्स हुआ कि यार वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कौन कौन से नेशनल पार्क हैं जो वेस्टर्न घाट में लाई कर रहे हैं, या कौन से नेशनल पार्क हैं जो हमारे इसमें, जैसे तुम्हारा वो है सलीम अली, साइलेंट वैली, ठीक है, तो ये जितने भी हैं ये वेस्टर्न घाट्स में। और जैसे कल आप हिमांशु कह रहे थे ना हिल स्टेशन को लेकर, हिल स्टेशन को देखो डायरेक्टली हिल स्टेशन को वर्ड यूज मत करना, वर्ड यूज करना टूरिज्म को लेकर, ठीक है। तो ये कोंकण कोस्ट कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, बस दो पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखना कि एक्शन फ्रॉम दमन टू गोवा, ठीक है, और सेकंड है इट इज अ कोस्ट ऑफ सबमर्जेंस। आगे है कन्नड़ कोस्ट, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है बस, एक ये कि गोवा से मैंगलोर तक है इस कन्नड़ कोस्ट को, कर्नाटक या कन्नड़, ठीक है, गोवा टू मैंगलोर, यानी कि दमन से लेके गोवा तक कोंकण, गोवा से मैंगलोर तक कन्नड़, ठीक है, वाइटर इन वेस्टर्न साइड, मतलब वेस्ट की जो वेस्ट हमारा कोस्टल प्लेन्स है उसमें सबसे ज्यादा जो चौड़ा है वो इसकी साइड में है, कन्नड़ में ही है, ठीक है, मतलब नैरो तो हमारा कोंकण में भी है पर जो वाइड हो जाता है वो थोड़ा हो जाता है कन्नड़ कोस्ट की तरफ, ये थोड़ा एक स्टैटिक पॉइंट इसमें। आगे मालाबार कोस्ट या मालाबार प्लेन या केरला कोस्ट, मैंगलोर टू कन्याकुमारी, ठीक है, यानी कि दमन से गोवा, गोवा से मैंगलोर और मैंगलोर से कन्याकुमारी, ये कोंकण, ये कन्नड़ और ये मालाबार या केरला कोस्ट एक ही चीज है। बैकवाटर लोकली नोन एज द कयास, बैकवाटर क्या होता है, लगभग वैसे वैसे। अच्छा बैक वाटर और लैगून्स में क्या फर्क है, वाइडर देन द कन्नड़ कोस्ट, पहली बात याद रखना यहाँ पे जो वाइडर बोला हुआ है ये कोस्टल प्लेन्स के लिए नहीं है, यहाँ पर बात हो रही है लेक्स की, कन्नड़ में ही सबसे ज्यादा हमारा वाइडर है, ठीक है। बैक वाटर क्या होता है, बैक वाटर और लैगून्स क्या होते हैं, हाँ ये देखो ये देखो ये कोई लैंड है, ठीक है, और ये सी है। जब पानी एकदम भाव आती वेव्स आती हैं समुद्रों में, ठीक है, और बिल्कुल आगे तक आ जाती हैं कोस्ट तक, ठीक है, कि ये मान के चलो ये पानी आगे तक आया, ठीक है, इसको मैं वैसे बना देता हूँ थोड़ा, ठीक है, पानी आगे तक आया और कुछ पानी वापस चला गया, फिर वापस भी चला जाता है, ठीक है, बट यहाँ पे कंडीशन क्या हुई कि जब वापस गया, ठीक है, पानी कुछ वापस गया तो कुछ पानी यहां रह जाता है, ठीक है, यहां पे फिर वेव्स आएंगी, ठीक है, कुछ पानी डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है, और कुछ फिर वापस चला जाएगा, ठीक है। तो जब ये चीजें जो बनने लग जाती हैं इनको हम कहते हैं बैक वाटर्स, ऐसी समझ में, यानी कि जब वेव्स आती हैं, मैं म्यूलो तो शायद नहीं मिलेगी इसमें, यूट्यूब खुल जाएगा इसमें, यस पक्का मैम का ही होगा,
का काम करे इसमें। अभी हमें केरला के बीच में एलएपी के पास, लोग बहुत कहते हैं केरला में बैक वाटर बहुत फेमस है, बैक वाटर बहुत फेमस है, बट बैक वाटर एग्जैक्टली होता क्या है वो यहाँ पे हमें दिखेगा। अभी हमें केरला के बीच में एलएपी के पास, लोग बहुत कहते हैं केरला में बैक वाटर बहुत फेमस है, बैक वाटर बहुत फेमस है, बट बैक वाटर एग्जैक्टली होता क्या है वो यहाँ पे हमें दिखेगा। ये बीच जहाँ से लहरें आ रही हैं, बहुत तेज लहरें चल रही हैं, पानी बहता हुआ आ रहा है, और ये पानी बहता हुआ जब प्रेशर ज्यादा होता है तो ये इस तरफ आता है बहुत तेज, जो अभी आने वाला है शायद ये आ भी जाएगा। यही सी वाटर इधर आता है और ये इकट्ठा होता है दूसरी तरफ, और दूसरी तरफ जो है वो एक लेक जैसी बन जाती है। ये देखो यहाँ पे इकट्ठा हुआ, उधर से आते हुए ये फिर से आया प्रेशर से इस तरफ गया, और बहुत सा पानी का ऐसा पार्ट होता है जो वापस नहीं जाता है और इधर एक लेक जैसी बन जाती है जिसमें इकट्ठा हो जाता है। तो ऐसे जो बैक वाटर्स होते हैं, ठीक है, तो इन बैक वाटर्स में सबसे ज्यादा यहाँ पे ही आपको मिलेगी बैक वाटर्स, और लोकल नहीं होता है क्या, ठीक है। तो ये होती है बैक वाटर्स, जब पानी ओशनिक वाटर लैंड के ऊपर आ जाता है, ठीक है, और कुछ पानी तो रुक जाता है और बाकी पीछे चला जाता है। तो जहाँ पे पानी का जो कलेक्शन स्टार्ट हो जाता है टाइम टू टाइम, ठीक है, यहाँ पे बन जाती है लेक्स, और जिनको कहते हैं बैक वाटर लेक्स, ठीक है। तो अब लैगून्स में क्या होता है, लैगून्स भी एक तरह की लेक होती है, ठीक है, दो टाइप की होती है, ध्यान से देखना कि लैगून्स लेक जो है, ठीक है, वो भी सेम इसी कॉन्सेप्ट से बनती है। जैसे ये हमारा कोई लैंड होगा, ठीक है, यहाँ लैंड है और इधर है ओशन या सी, ठीक है। जब वेव्स आती है लैंड के ऊपर, ठीक है, तो थोड़ा सा कट यहां से स्टार्ट कर देंगी, ठीक है, पानी जो है वो थोड़ा सा अंदर तक चला जाएगा, ठीक है। यानी कि इस वाले पोर्शन को पूरे को वो कट कर देंगे वेव्स, और यहां पे अब पानी आ गया, ठीक है। पहली बात याद रखना, जो लैगून्स होती है वो हमेशा होती है कोस्टल में, ठीक है, इनको कोस्टल लेक्स भी कहते हैं, यानी कि ऐसी लेक्स जो बिल्कुल जस्ट बिल्कुल समुद्र, जो लार्ज वाटर बॉडी है यानी कि जो सी है उसके जस्ट साइड में होती है, ठीक है। लैगून्स में जो पानी आता है वो सी का ही होता है। हमारी चिल्का लेक है, चिल्का लेक सबसे लार्जेस्ट लैगून लेक है, ठीक है, और सी वाटर आता है तो कैसी लेक होगी वो, सलाइन, ठीक है। तो ये होती है, इनको कहते हैं लैगून्स लेक, ठीक है। और फिर बाद में क्या होता है ना, टाइम टू टाइम पानी के साथ मिट्टी भी सेडिमेंट्स भी आता है, तो सेडिमेंट्स इनको यहाँ पे बैरियर सा बना देता है, ठीक है, मतलब अलग कर देता है, इनको कट कर देता है, सेपरेट कर देता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं, आपने फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ा होगा स्पिट या बार, ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी में आता है स्पिट और बार। ये स्पिट और बार क्या होते हैं, ये सेडिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो वेव्स के साथ आते हैं और ये, ठीक है, एक तरह से बैरियर सा बना देते हैं, बैरियर किसके बीच में, सी और लैगून्स के बीच में, और फाइनली ये लैगून्स जो है वो समुद्र से अलग हो जाती है। तो ये जो लेक बन गई, ये बन गई लैगून और यहाँ पे सी, पानी यहीं से आता है। पानी आता कहाँ से, कई बार चैनल्स छोटी छोटी जो जिसको कहते हैं ना गली,
वहां से पानी आता रहता है, या एकदम से बड़ी वेव्स आ गई तो पानी भर गया, वो वेव्स वापस चले गई, पानी यहीं रह गया, तो इन लैगून्स में यहां से भी आता है। इनको हम कहते हैं कोस्टल लैगून, ठीक है। एक होती है एटोल, एटोल, एटोल क्या होता है ये देखो, ये कोई पहाड़ है, ठीक है, जो कि है पूरा का पूरा किसी समुद्र के बीच में, ठीक है, जिसके चारों तरफ पानी है, यानी एक माउंटेन आइलैंड कह लो, ठीक है, एक ऐसा आइलैंड या ऐसा पहाड़ जो पूरा का पूरा पानी की तरफ से कवर है चारों तरफ से। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कोरल स्टार्ट हो जाएंगी, कोरल्स पता है, ठीक है, इसके चारों तरफ जो है कोरल्स कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी इधर की तरफ चारों तरफ, ठीक है, चारों तरफ उसके कोरल स्टार्ट हो जाएंगे इधर, ठीक है, कोरल्स लगनी स्टार्ट होगी और चारों तरफ पानी है। धीरे धीरे क्या होगा, इसका इरोजन हो जाएगा, ये अब इतना हो गया पहाड़, ठीक है, ये इतना हो गया, फिर और टाइम के साथ, टाइम के साथ ये बस इतना ही रह गया, ठीक है, कोरल रीफ तो अभी भी वही है। फिर क्या होगा, फाइनली में ये बिल्कुल ही गायब हो जाएगा, मतलब बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, ठीक है, बस अब नीचे नीचे रह गया पोर्शन, मतलब ऊपर से सारा खत्म, बस अब पानी के नीचे रह गया, जिसके ऊपर ये जो कोरल्स हैं, ठीक है, ये ऐसे थी, ऊपर से सारा चीज गायब, मतलब अब जो माउंटेन रह गया वो पानी के अंदर अंदर रह गया, ठीक है, जिसके ऊपर एक कोरल्स मतलब प्लेस हो रखी है। और अब ये जो बीच में जो लेक सा बन गई, इसको हम कहते हैं एटोल लेक, ठीक है, फिगर दिखाता हूं, ये देखो, ये इस टाइप की, ठीक है, यानी कि यहां पे पहले कभी यहां पे पहाड़ होता होगा, ठीक है, उस पहाड़ पे, उस पहाड़ के सरफेस पे कोरल्स आ गई, ठीक है, और फिर जो पहाड़ था वो धीरे धीरे खत्म होने लगा, खत्म होने लगा, पूरा ऊपर से पानी के सरफेस के ऊपर से पूरा का पूरा खत्म, अब सिर्फ कोरल्स रह गई है, ठीक है, चारों तरफ कोरल्स रह गई और नीचे भी सरफेस है उस पहाड़ का, ठीक है, तो जो ये अलग से रह गए इसको हम कहते हैं एटोल। तो ये एक एटोल लैगून बन गई। जैसे ये भी एटोल लेक है, कोई जरूरी नहीं कि हमेशा सर्कुलर में मिले, बट ये भी एटोल लेक है, जो कि सरफेस जो पहले था अब ऊपर से टोटली खत्म हो चुका है, ठीक है, और अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक पूरे के पूरे में लेक बन गई है, ठीक है, इसको हम कहते हैं ये भी एक लगून है। लगून क्यों, क्योंकि एक तो पानी समुद्र के पानी से बनी हुई है, ठीक है, और लगून तब कहेंगे जब वो उस पानी के जो उसका सोर्स है जहाँ से बनी है, जैसे सी है, उसी से अलग हो चुकी है, तो एक तरह से बैरियर्स ने इस सी को अलग कर रखा है इस लेक से, ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लेक। और कौन सी होगी, एटोल लेक, और अगर ये कोस्टल पे होती तो लैगून लेक। तो ये देखिए आपने कि भाई इस वाले को कहते हैं हम कच्छ, ये है हमारा कठियार कोस्ट, यहाँ पे कहीं गिर रेंज है, इधर गुजरात प्लेन है, इधर पार्ट ऑफ कोंकण, ये पूरा कोंकण दमन से लेके गोवा तक, ठीक है, गोवा से लेके मैंगलोर तक आपका पूरा का पूरा ये कन्नड़, मैंगलोर से कन्याकुमारी कैमोरिन तक मालाबार, ठीक है, और ये है सबमर्जेंस, ठीक है, ये है एमरजेंस, ठीक है, ये सारा का सारा उठा हुआ है, एमरजेंस हो गया,
ठीक है, सबसे ज्यादा वाइड जो है वो इस वाले पार्ट में यानी कन्नड़ वाले में है, बैक वाटर लैगून्स आपको इस वाले मालाबार वाले कोस्ट में मिलेंगे, ठीक है। आगे है ईस्टर्न प्लेन्स बिटवीन द ईस्टर्न घाट एंड द बे ऑफ बंगाल, ठीक है, इधर है ईस्टर्न घाट जो कि रेगुलर नहीं है, तो ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच वाला पोर्शन हो गया हमारा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, एक्सटेंड फ्रॉम द गंगा डेल्टा, गंगा डेल्टा यहां पर है बिल्कुल यहां से गंगा डेल्टा से लेकर कन्याकुमारी तक ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ठीक है, गंगा डेल्टा टू कन्याकुमारी एरिया हैविंग अ डेल्टाज ऑफ मैनी रिवर्स, यानी कि इस कोस्टल प्लेन्स पे काफी बड़ी बड़ी रिवर्स के डेल्टाज हैं, ठीक है, जैसे एक तो आपका गंगा का डेल्टा, गंगा सागर सुना है, ठीक है, गंगा सागर हो गया, और आपका ये उसके बाद महानदी रिवर भी डेल्टा बनाती है, गोदावरी भी बनाती है, कृष्णा भी बनाती है और कावेरी भी बनाती है, तो जितनी भी जो ये रिवर्स हैं ये सारी की सारी डेल्टास बनाती है हमारे ईस्टर्न साइड में, तो इन कोस्ट पे आपको सबसे ज्यादा डेल्टास मिलेंगे। आगे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स नॉर्थ सरकास बिटवीन द महानदी एंड द कृष्णा रिवर, वैसे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ो, ये देखो हमने स्टार्टिंग में किया था, बिल्कुल स्टार्टिंग में अगर याद हो तो, कि उड़ीसा में एक लेक है चिल्का लेक, ठीक है, चिल्का लेक एक लैगून लेक है, याद रखो लैगून का मतलब कोस्टल में है, ठीक है, उसका जो पानी है वो समुद्र का है, ठीक है, यानी पानी इस लेक में समुद्र से ही आता है चिल्का लेक, उसके बाद यहाँ पे कहीं एक रिवर लेक है कोलेरू, फिर यहाँ पर एक पुलिकट, तो हमने ये पढ़ा था कि चिल्का से लेके कोलेरू तक जो कोस्ट है उसको हम क्या कहते हैं, उत्कल, ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हमने पढ़ा था कोंकण बिल्कुल नॉर्थ में, ठीक है, यहाँ पे उत्कल, उसके बाद कोलेरू से पुलिकट तक आंध्रा, ठीक है, और यही वाला यानी कि पुलिकट से लेके कन्याकुमारी तक कोरोमंडल, ठीक है, तो ये तीन रीजन्स हैं उत्कल कोस्ट, आंध्रा कोस्ट और कोरोमंडल, जैसे यहाँ पे कोंकण कन्नड़ और मालाबार थे, यहाँ पे है उत्कल आंध्रा और कोरोमंडल। सबसे पहले है उत्कल कोस्ट, इट इंक्लूड द महानदी डेल्टा, महानदी रिवर उड़ीसा से उड़ीसा में फ्लो करती है, वहीं डेल्टा बनाती है, तो इस प्लेन में डेल्टा है महानदी रिवर का, कोस्टल एरियाज, कोस्टल एरियाज ऑफ डेल्टास कोरोनी है। आगे है आंध्रा, आंध्रा प्लेन एक्सटेंड अप टू द पुलिकट लेक, ठीक है, कोलेरू से लेके, एक बार देखना कोलेरू लेक, तुम बड़े आराम से बैठे हो, देखिए कोलेरू लेक कौन से उसमें स्टेट में, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश इधर कहीं मिलेगी शायद, तो चिल्का से लेके कोलेरू तक का जितना भी कोस्ट है उसको हम कहते हैं उत्कल, कोलेरू से पुलिकट तक का जितना भी है आंध्रा, और पुलिकट से नीचे तक कोरोमंडल, ठीक है, और ये सारा का सारा कोस्ट कैसा है, समर्जेंस है, एमर्जेंस, पूरा का पूरा एमर्जेंस है पूरा, ठीक है, पूरा का पूरा उठा हुआ है पानी से। आगे है लास्ट तमिलनाडु प्लेन या कोरोमंडल, जो कि है पुलिकट से लेके आपका कन्याकुमारी तक, ठीक है, बस इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे ये आपको मैंने बता दिया कोस्टलाइन ऑफ एमरजेंस और समर्जेंस क्या होता है, ठीक है। अब एक पेपर पे ना, एक पेपर पे अंडमान निकोबार का तो मैप नहीं बना पाओगे, एक मैप पेपर निकालना, ठीक है, एक पेपर निकाल लेना पहले, ठीक है, और उसमें ना चार ऐसे ब्लॉक से बना लेना, एक दो तीन चार, ये चार ब्लॉक बना लेना,
आइलैंड्स, इंडिया के दो मेजर आइलैंड्स ग्रुप हैं, ठीक है, एक है लक्षद्वीप जो कि है अरेबियन सी में, और अंडमान निकोबार, ठीक है, जो कि है बे ऑफ बंगाल में। और ग्रुप ऑफ आइलैंड्स आर कॉल्ड, अगर एक आइलैंड है तो हमने उसको आइलैंड बोला है, पर अगर उसके साथ में छोटे छोटे आइलैंड्स बहुत हैं, ठीक है, छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, तो इन पूरे को क्या कहते हैं? आर्किपेलागो, ठीक है, आर्किपेलागो, आर्किपेलागो नथिंग, कुछ नहीं, बस ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ठीक है। तो जो हमारे लक्षद्वीप है ये भी आर्किपेलागो है, ठीक है, और जो अंडमान निकोबार है वो भी आर्किपेलागो है। क्यों? क्योंकि अराउंड 265 आइलैंड्स मिल के अंडमान निकोबार बना है, ठीक है। तो 265 आइलैंड्स हैं किसमें? अंडमान निकोबार में। तो जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है उसको हम कहते हैं आर्किपेलागो, तो दैट इज लक्षद्वीप आर्किपेलागो और अंडमान निकोबार आर्किपेलागो, ठीक है। क्या 265 मतलब इतने सारे आइलैंड्स हैं अभी, और इसमें बीच में देखेंगे। अब ये देखो, अब आपको ये पता है अंडमान निकोबार से स्टार्ट करें, सबसे पहले हम अंडमान निकोबार को देखेंगे। तो आपको ये पता है कि अंडमान निकोबार किसका पार्ट है? इट इज अ पार्ट ऑफ अराकन। यहाँ पे ये जो आपको म्यांमार वाला बॉर्डर है ना, ठीक है, इधर है अराकन रेंज, ठीक है, और ये रेंज पानी के अंदर चली गई है, ठीक है, मतलब सबमर्ज हो गई है, ठीक है, और अंदर अंदर हो गई फिर बाहर निकली है, ठीक है, और ये बाहर निकली जब ये गिरी, ठीक है, ये अराकन रेंज का ही पार्ट है। ये माउंटेन्स थी, पानी के अंदर चले गए, फिर जो माउंटेन्स बाहर निकले तो एक ऐसा आइलैंड्स बने, ठीक है, और जिनको कहा गया अंडमान निकोबार, ठीक है। म्यांमार क्यों नहीं क्लेम करता? क्या म्यांमार इसलिए क्लेम नहीं करता क्योंकि ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था इधर, ठीक है, और ब्रिटिशर्स से पहले किसका कंट्रोल था? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने भी तो उन एरियाज को अपनाया था जो इंडिया के कंट्रोल में थे, ठीक है, आई थी समझ में? तो ब्रिटिशर से पहले किसका वो था कंट्रोल इस पे? है चोलास का, ठीक है, चोलास का, ठीक है, तो सतत तक खत्म नहीं हुआ, नहीं बहुत पहले के थे ना भाई वो, तो दो तरह के चोलास थे, ये सिंध में थे, मेडिवल में भी थे, मेडिवल में भी थे, इंपीरियल चोलास, ठीक है। तो जो मेजर जो उनका जो जिनका जो प्रोमिनेंट एम्पायर था वो मेडिवल में है, ठीक है, तो चोलास थे, मतलब एक तरह से एक इंडियन जो था वो इनके ऊपर क्लेम करता था, फिर बाद में ब्रिटिशर्स के पास आया, ठीक है, और जब ब्रिटिशर्स के पास में गया तो ब्रिटिशर्स ने किसको हैंड ओवर करेंगे? वो इंडिया को ही करेंगे, ठीक है। तो इस वजह से पर ये पार्ट है म्यांमार में बेस्ड अराकन रेंज, ठीक है, जो कि पानी के अंदर चली गई और फिर बाहर निकली, और जब ये बाहर निकली तो एक आइलैंड्स के मतलब फॉर्मेशन हुआ और इन आइलैंड्स का नाम बना अंडमान निकोबार। आप अपने उसमें ना फिगर में एक उसमें ब्लैंक पेपर पे यूं ड्रॉ कर लेना, एक दो तीन और चार, ठीक है। कितने बड़े साइज के बनाने हैं? बस यू इतना बना लेगा, ठीक है, इतना बहुत है। तो
तो अंडमान निकोबार आइलैंड फॉर्म्ड ड्यू टू, क्यों बने हैं, कैसे बने हैं, ड्यू टू कोलिजन बिटवीन द इंडियन प्लेट एंड द बर्मा, ठीक है, माइनर प्लेट, यानी कि जब इंडियन प्लेट और बर्मा प्लेट आपस में टकराई थी तो फॉर्म हुआ थे कौन सी रेंज, अराकन, ठीक है, और यही अराकन की वजह से ही अंडमान निकोबार बने हैं। सेकंड चीज, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक है, आर द साउथवर्ड एक्सटेंशन, साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ अराकन योमा रेंज, ठीक है, साउथवर्ड एक्सटेंशन मतलब उन माउंटेन्स को अगर हम और साउथ में ले जाए तो पानी के अंदर चली जाती है और फिर बाहर निकलती हैं तो बनते हैं हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। आगे लक्षद्वीप, ये एक कोरल आइलैंड्स है, याद रखना कोरल आइलैंड्स मतलब जिनके चारों तरफ कोरल्स होती हैं, ठीक है। प्लस इट इज अ पार्ट ऑफ अ रीयूनियन हॉटस्पॉट वोल्केनिज्म, यानी कि यहां पे जो ये ठीक है, इधर तो हमारे अंडमान निकोबार बन गए कि जो कि इस माउंटेन्स का ही पार्ट है, जो अंदर चले गए और फिर जब बाहर निकले तो ये आइलैंड्स बन गए, पर इधर इधर तो कोई टेक्टोनिक एक्टिविटी नहीं हुई, ठीक है, इधर तो कोई माउंटेन रेंज नहीं बनी, तो ये लक्षद्वीप कैसे बने, ये बने हैं हमारे हॉटस्पॉट से, और हॉटस्पॉट का क्या मतलब होता है, यहां से लावा बाहर आता है, ठीक है, यानी कि ये एक अगर हम सरफेस माने, ठीक है, और ये उसका बेस है, ठीक है, और लावा नीचे से बाहर आया, ठीक है, और यहाँ पे पहले यहाँ पे कलेक्ट हुआ, ठीक है, उसके बाद फिर और कलेक्ट हुआ, मतलब लावा यहाँ से आ ही जा रहा है कंटिन्यूसली, क्योंकि हॉटस्पॉट रीजन है, और हॉटस्पॉट का मतलब ये होता है कि वहां से कंटिन्यू जो लावा है वो निकलता रहता है, ठीक है, वहां पे कोई टेक्टोनिक की जरूरत नहीं है, वहां से सीधा आउटर कोर में से जो लावा है वो निकलता रहता है और सॉलिड होता रहता है और टाइम के साथ फॉर्मेशन हो गया, मतलब जो सरफेस था वो बाहर आ गया पानी से, ठीक है, और पानी से जो चीजें बाहर आ गई तो एक ऐसा आइलैंड काम किया, तो इसको हम कहते हैं वोल्केनिक आइलैंड। तो हमारे जो लक्ष्य, हाँ सर, ये जो आइलैंड्स हैं जैसे अंडमान निकोबार भी और लक्षद्वीप भी है, यहाँ पे कोई रिवर है, रिवर्स ना, तो यहाँ पे सर एंशियंट टाइम में जो लोग रहते थे वो पानी कैसे ले जाते थे, पानी कैसे ले जाते थे, मतलब पीने के लिए फ्रेश वाटर, रेन वाटर, आपका रेन भी होता था। अब ऐसे तो आप ये कहोगे कि सर जैसे ये थे हमारे यहाँ पे ये यहाँ पे कौन सी साइट होती थी एंशिएंट की, गल्फ ऑफ खंबत के पास, और यहाँ पे कौन सी होती थी, धोलावीरा, ठीक है, धोलावीरा में रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता था, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिवर्स नहीं है, ठीक है, रिवर्स नहीं, और पानी के यूज के लिए वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग यूज करते थे। प्लस जैसे हिमांशु ने पूछा ना, एक ना आपने शायद देखा हो ईस्ट साइड में ना ज्यादातर होता है, ईस्ट साइड में जहाँ पे बारिश ज्यादा होती है, क्योंकि देखो अंडमान निकोबार में भी काफी रेनफॉल्स होते हैं, रेनफॉल हाई है क्योंकि ट्रॉपिकल में पड़ता है, ठीक है, तो रेनफॉल की कमी नहीं है। अगर आप एंशिएंट की बात करो ना कि सर वो पानी कहाँ से लेके आते थे, मेन सोर्स था उनका रेन वाटर, और रेन वाटर क्यों, क्योंकि पूरे पूरे साल थ्रू आउट द ईयर वहां पर रेनफॉल होती रहती है, ट्रॉपिकल रीजन में पड़ता है। आपने ईस्टर्न साइड में देखे जो बैम्बूज होते हैं उनको भी कट करके पूरे को सोर्स बनाते हैं, देखा है कि घरों की छत के उसमें, हाँ मतलब जैसे जो बैम्बू होता है ना, जैसे ये ऐसा बैम्बू है तो उसको क्या करेंगे, बीच में से काट लेंगे, ठीक है, बीच में से काटने के बाद वो ऐसा हो जाएगा, है ना, और इनको ना वो कनेक्ट कर करके कर करके, ठीक है, अपने जैसे गार्डन्स होते थे, ठीक है, क्योंकि वहां पे हैवी जंगल होते, तो जंगल्स में बार बार आना जाना उनके लिए ठीक नहीं होता था, तो क्या करते थे, जैसे यहाँ पे कहीं से भी ना पाइप को जोड़ जाड़ के कर करके ना उन बैम्बूस को जोड़ के जहां पे उनको पानी पहुंचाना होता था ना वो उधर कर देते थे, और ये टेक्निक आज भी है, खासकर इसमें अंडमान में तो अभी भी है ये टेक्निक्स, और यूज होती है अभी भी, नॉर्थ साइड में जाओगे, नॉर्थ ईस्ट साइड में जाओगे तो अभी भी टेक्निक होती है वहां पे, कि पानी जब भी बारिश होती रहती है और पानी उनके जो जहां भी तो कलेक्ट करते हैं चाहे उनका फील्ड हो वहां पे पानी जाता रहता है, ठीक है। तो यहां से अंडमान निकोबार बन गए थे हमारे अराकन से, और यहां पे बने थे
वोल्केनिक से, ठीक है, यानी वोल्केनिक माउंटेन, यहाँ पे वोल्केनिक आइलैंड्स है यहाँ पे, जिनको हम कहते हैं हॉटस्पॉट, ठीक है। और हॉटस्पॉट वो कि ऐसा वोल्केनिक, यानी ऐसा वोल्केनिक इरप्शन जो कि प्लेट टेक्टोनिक से नहीं हुआ है, ठीक है, कि प्लेट के टकराने से वोल्केनोज नहीं आए, यहाँ पे डायरेक्टली आपका क्रस्ट, मेंटल और आउटर कोर, आउटर कोर से ही यहां से सीधा जो मैग्मा था, ठीक है, आउटर कोर से सीधा आ गया क्रस्ट पर, और क्रस्ट पे आता रहा और सॉलिड होता रहा, सॉलिड होता रहा, हार्ड बनता रहा, और हार्ड बनने के बाद पानी से बाहर आ गया और बन गया पूरा एक आइलैंड, ठीक है। तो लक्षद्वीप इस फॉर्मेशन से बने हैं, और अंडमान निकोबार हमारे अराकन यूमा से बने हुए हैं। अंडमान निकोबार आइलैंड्स, सबसे पहले हम अंडमान निकोबार के बारे में देखते हैं, ठीक है। इट इज अ ग्रुप ऑफ 265 आइलैंड्स, टोटल 265 आइलैंड्स हैं। अंडमान में है 203 और निकोबार के हैं 62, ठीक है। यानी कि ये देखो, ये देखो, ये पूरा का पूरा अंडमान निकोबार, ठीक है। अभी मैं इसको जूम करूंगा, ये पूरा का पूरा आइलैंड जो है ये है अंडमान, ठीक है, और ये पूरा का पूरा है निकोबार, ठीक है। दोनों को मिला दें तो 265 आइलैंड्स हैं, ठीक है। यहां पर है कितने, और यहां पर कितने, 62, ठीक है। अब सबसे पहले हम देखते हैं अंडमान की, मैंने चार ब्लॉक्स बनवा रखे हैं, ठीक है, तो ये चार ब्लॉक इनके लिए हैं, ठीक है। सबसे पहले है नॉर्थ अंडमान, ठीक है, फिर है मिडल अंडमान, ठीक है, फिर है साउथ अंडमान, और ये है लिटल अंडमान। नॉर्थ अंडमान, मिडल अंडमान, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान, यहां पे यानी कि ये जो पास है, ठीक है, जो कि साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान को अलग कर रहा है, इसको कहते हैं डंकन पैसेज, डंकन पैसेज। ठीक है, देखो इसमें भी दिखाई दे रखा है। तो ये जो दो आइलैंड है, ठीक है, इस आइलैंड के बीच में जो ये सरफेस है जहां पे पास हो सकता है, ठीक है, जो चीजें आ सकती हैं, ठीक है, इसको हम कहते हैं डंकन पैसेज। ये लाइक करता है साउथ अंडमान, ठीक है, और लिटिल अंडमान के बीच में डंकन पैसेज। एक है फिर ग्रैंड चैनल, या इसको ग्रेट चैनल भी कहते हैं, ग्रेट चैनल बिटवीन द ग्रेट निकोबार, ठीक है, एंड सुमात्रा आइलैंड्स ऑफ इंडोनेशिया। ये देखो, ग्रेट है सर, ग्रेट, ग्रैंड भी है और ग्रेट भी है, दोनों कहते हैं, ठीक है। ये देखो, ये आपका हो गया पूरा अंडमान निकोबार वाला, लिटिल नॉर्थ मिडल साउथ,
ठीक है, और लिटल अंडमान, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो ये पैसेज है, ठीक है, जहाँ से शिप्स वगैरह आ सकती हैं, ठीक है, जो पूरा पानी का पूरा पैसेज है उसको हम कहते हैं डंकन पैसेज। फिर उसके बाद है निकोबार आइलैंड्स, और निकोबार आइलैंड्स में भी ये है ग्रेट निकोबार, ठीक है, इंडिया का ही पार्ट है। इसके नीचे, ठीक है, नीचे यहाँ से शुरू हो जाती है, ठीक है, यहाँ से शुरू हो जाता है हमारा इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया कंट्री बहुत पास में है, अराउंड 65 किलोमीटर सिर्फ ग्रेट निकोबार से, ठीक है। तो यहाँ से इन लाइन को जो डिवाइड कर रही है, ठीक है, मतलब जो पैसेज है पानी वाला, कि जो ग्रेट निकोबार और सुमात्रा, सुमात्रा आइलैंड इंडोनेशिया का है, ठीक है, इसके बीच में है, उसको हम कहते हैं ग्रेट चैनल, ग्रेट चैनल, ठीक है। तो दो चैनल्स देख लिए हमने, एक तो डंकन पैसेज और एक ग्रेट चैनल। फिर एक है कोको स्ट्रेट, कोको स्ट्रेट है, कोको स्ट्रेट कहाँ है ना, ये देखो, अपने अंडमान निकोबार वाले मैप में देखना तुम्हें कोको आइलैंड मिलेगा ऊपर, इधर ऊपर की तरफ मिला कोको आइलैंड, है कोको आइलैंड उसका है म्यांमार का, ठीक है, कोको आइलैंड म्यांमार का, मतलब म्यांमार के टेरिटरी में काउंट होता है कोको आइलैंड, ठीक है, अंडमान नॉर्थ अंडमान के जस्ट ऊपर है, ठीक है। तो कोको आइलैंड और नॉर्थ अंडमान के बीच में जो चैनल है या जो पैसे जापानी वाला, उसको हम कहते हैं कोको स्ट्रेट, मिला भाई सभी को, ठीक है। तो कोको स्ट्रेट और नॉर्थ अंडमान के बीच में, ठीक है, जो पैसेज है उसको हम कहते हैं कोको स्ट्रेट, या तो आप इसको पूरे को म्यांमार कंसीडर कर लो, कि म्यांमार और नॉर्थ अंडमान को इंडिया का पार्ट, तो इंडिया और म्यांमार के बीच में कोको स्ट्रेट है, ठीक है भाई, कोको म्यांमार का है, अंडमान हमारा इंडिया का, तो हम या तो इंडिया बोले या नॉर्थ अंडमान बोले, एक ही चीज है। उसके बाद है पोर्ट ब्लेयर, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर मींस अंडमान निकोबार की कैपिटल, ठीक है, ये हम ये पढ़ती है साउथ अंडमान में, याद रखना, ठीक है, तो जो उसकी जो कैपिटल है वो पढ़ती है साउथ अंडमान में, यहाँ पे इधर पोर्ट ब्लेयर मार्क कर लेना, कि जो उसकी कैपिटल है वो पोर्ट ब्लेयर में पढ़ती है, मतलब इसमें साउथ अंडमान में। और ये 265 में से सिर्फ 38 आइलैंड ऐसे हैं जहाँ पे पब्लिक रहती है, जहाँ पे इनहेबिटेंस है, जहाँ पे पॉपुलेशन एक्चुअली में रहती है, बाकी सारे जितने भी आइलैंड है वो सारे के सारे बैरन है, मतलब खाली पड़े हैं, ठीक है, थोड़ी बहुत पॉपुलेशन आती जाती रहती होगी, बट जो मेन सेटलमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ 38 आइलैंड्स पे है बस, ठीक है। तो कोको स्ट्रेट नॉर्थ अंडमान, ठीक है, और द कोको आइलैंड जो कि म्यांमार का है, पोर्ट ब्लेयर हमारे साउथ अंडमान में पड़ता है, हाईएस्ट पीक सैडल पीक पूरे अंडमान की, ठीक है, तो आप ये कहो कि पूरे अंडमान निकोबार की, निकोबार को भी काउंट कर लो आप, तो जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो है सैडल पीक नॉर्थ अंडमान में, ढूंढो नॉर्थ अंडमान में मिलेगी पहले वाले बॉक्स में, मिलेगी सर इधर कहीं मिलेगी, इधर है, हाँ वेस्ट में थोड़ी, ठीक है। तो ये है आपकी सैडल पीक, ठीक है, हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान निकोबार, मिली सभी को, yes। तो इसमें मैप में अभी तक आपने तीन चीजें नोट कर ली है, कि यहां पे कहीं सैडल पीक है, साउथ अंडमान में हमारा पोर्ट ब्लेयर है जो कैपिटल है, ये लिटिल अंडमान, और इसके बीच में है डंकन पैसेज, हाईएस्ट पीक होगी।
अंडमान निकोबार ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट, ठीक है, क्लाइमेट जो है वो ट्रॉपिकल है, क्यों, ट्रॉपिकल रीजन में आता है, और मरीन क्यों, पूरे आइलैंड में है ऐसा क्लाइमेट जहाँ पे हमेशा बारिश होती रहती है, अगर जहाँ पे भी वर्ड यूज हो ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट इट मीन्स थ्रू आउट द ईयर रेनफॉल, पूरे साल बारिश होती रहती है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द एंडोल आइलैंड, कुछ वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा एक है रिचर्स आर्किपेलागो, ये देखो ये तुम्हें ना कहाँ मिलेगा, ये जो आइलैंड्स का ग्रुप है ना ये साइड में छोटा सा ये वाला, मिला नहीं, मिल रहा था देखो, ये रहा भाई ये रहा ये, जैसे यहाँ पे तो ये तो हो गया नॉर्थ, ठीक है, ये हो गया मिडल, ये हो गया साउथ, ठीक है, और जो ये वाला ग्रुप है ये यहाँ पे जो है वो इम्पोर्टेंट आइलैंड्स हैं, मतलब बड़े बड़े आइलैंड हैं, और ये देखो जिनके अभी भी रिसेंटली में नेम चेंज हुए हैं, द क्लस्टर ऑफ स्मॉल आइलैंड्स, ठीक है, मतलब एक स्मॉल आइलैंड्स का ग्रुप, ईस्ट ऑफ ग्रेट अंडमान, अंडमान के ईस्ट साइड में है, ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट में मिलेगा, मिला तुम्हें, ठीक है, वहां पे एक वर्ड यूज लिखा होगा हैवलॉक, हैवलॉक लिखा है, ठीक है, हैवलॉक आइलैंड है, मतलब देखो अगर टूरिज्म जो जाते थे ना सबसे पहले जो अंडमान निकोबार जैसे घूमने जाते थे, तो सबसे पहले याद रखना जितने भी जो टूरिज्म होती है ना 98% टूरिज्म जाती है अंडमान में, निकोबार में नहीं, ठीक है, अंडमान में, और अंडमान में भी किस आइलैंड के ऊपर, साउदर्न में, ठीक है, और साउदर्न में ही इसके ईस्ट में कौन से आर्किपेलागो, ये हैवलॉक, सारे टूरिज्म से रिजॉर्ट हो गया, ठीक है, मतलब डेस्टिनेशन टाइप की जितनी भी वो इन्हीं आइलैंड्स के ऊपर है, तो हैवलॉक आइलैंड जिसका अब नाम बदल के रख दिया है हमारा स्वराज द्वीप, ठीक है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, मैच द फॉलोइंग्स में क्वेश्चन है कि जो हैवलॉक आइलैंड है, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन है फॉर टूरिज्म, ठीक है, जिसका अब नाम बदल के रख दिया स्वराज द्वीप, फिर आपको एक नेल आइलैंड भी मिलेगा, है नेल आइलैंड है, उसका नाम बदल के रख दिया है शहीद द्वीप, ज्यादा पॉपुलेशन अंडमान में, फिर एक तुम्हें मिलेगा रोज आइलैंड, मिला, ठीक है, जिसका नाम बदल के रख दिया नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हैवलॉक आइलैंड सबसे अगर पहली चीज आती है कि हैवलॉक आइलैंड का है, तो आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि साउथ अंडमान के नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, ठीक है, तो अगर सबसे पहले अगर क्वेश्चन आता है तो आपको अगर हैवलॉक वर्ड आ गया तो ये समझ जाना कि नॉर्थ मिडल और साउथ साउथर्न अंडमान के यहाँ पे कहीं ग्रुप है जिसमें से एक आइलैंड है बड़ा इंपॉर्टेंट आइलैंड है फॉर द टूरिज्म जिसका नाम हैवलॉक नहीं अब स्वराज द्वीप है, ठीक है, उसी की में है एक नेल आइलैंड, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन है, अगर टूरिज्म जाते हैं लोग घूमने जाते हैं तो हैवलॉक आइलैंड रोज आइलैंड नेल आइलैंड पे ही जाते हैं, ठीक है, जितने जैसे आपके रिजॉर्ट्स हो गए डेस्टिनेशन है वो इन्हीं आइलैंड्स के ऊपर है, ठीक है, तो यहाँ पे कहीं नेल आइलैंड है जिसका नाम आप बदल के रख दिया क्या शहीद द्वीप, ठीक है, और एक रोज आइलैंड है,
जिसका नाम बदल के रख दिया नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो इट इज अ पार्ट ऑफ आर्किपेलागो रिचर्स। ठीक है, और देखो उसके बाद निकोबार में, वैसे कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है कि ये है कार निकोबार। ठीक है, कार निकोबार सबसे पहले दिख जाएगा आपको छोटा सा। यस सर। ठीक है, कार निकोबार पे ही है हमारा मिलिट्री बेस। ठीक है, मिलिट्री बेस कार निकोबार पे है। और सबसे बड़ा इसमें जो सबसे बड़ा आइलैंड है वो है ग्रेट निकोबार। बस और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अभी देखो ये देखो यहां पे सबसे पहले है कोको आइलैंड। ठीक है, जो कि म्यांमार का है। ठीक है, कोको आइलैंड और नॉर्थ अंडमान के बीच में जो लाइन है, जो स्ट्रेट है, ठीक है, उसको हम कहते हैं कोको स्ट्रेट। ठीक है, वाटर चैनल पूरा जो पानी का गैप सा है जहां पे, जिसको हम कहते हैं कोको स्ट्रेट। फिर आता है नॉर्थ अंडमान। नॉर्थ अंडमान में कुछ इंपॉर्टेंट है जी, है एक सैडल पीक है जो पूरे अंडमान निकोबार की, ठीक है, हाइएस्ट पीक है। उसके बाद मिडल अंडमान आता है, फिर है साउथ अंडमान। साउथ अंडमान में इंपॉर्टेंट है कि वहां की जो कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, वो साउथ अंडमान में है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे रिचर्स वो है आर्किपेलागो। तीन इंपॉर्टेंट है आपका हेवलॉक, नेल और रोज। ठीक है, इसका नाम क्या रख दिया, स्वराज, शहीद और नेताजी। ठीक है, उसके बाद और नीचे आओगे लिटिल अंडमान। तो साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में जो पैसेज है उसको कहते हैं डंकन पैसेज। ठीक है, अब उसके नीचे और आओगे तो लिटिल अंडमान आ गया। तो लिटिल अंडमान से फिर नीचे जाओगे तो यहाँ पे फिर एक पानी की पूरी चैनल है। ठीक है, जिसको कहते हैं 10 डिग्री चैनल, यानी कि 10 डिग्री चैनल डिवाइड्स अंडमान एंड निकोबार, याद रखना। ठीक है, 10 डिग्री चैनल डिवाइड्स अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, सबसे पहला जो आइलैंड आएगा वो है कार निकोबार, और जो सबसे बड़ा है बिल्कुल एंड में वो है ग्रेट निकोबार। ठीक है, और ग्रेट निकोबार के बाद में भी फिर एक और चैनल है, ग्रेट चैनल, जो कि डिवाइड करती है इंडिया को इंडोनेशिया से। ठीक है, इंडिया का ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया का सुमात्रा आइलैंड। ठीक है, और टोटल है 265 आइलैंड्स। ठीक है, 203 और 62। ठीक है, अब ये देखो उसके बाद आता है लक्षद्वीप आइलैंड्स। लक्षद्वीप आइलैंड सिचुएटेड इन द अरेबियन सी, ग्रुप ऑफ 36 आइलैंड्स। ठीक है, टोटल 36 आइलैंड्स है लक्षद्वीप में टोटल। एक्सटेंड 8 to 12 degree नॉर्थ, वैसे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन आइलैंड्स यहाँ पे चार है। ठीक है, चार मेन आइलैंड्स हैं। इन 36 में से जो चार हैं वो मेन आइलैंड्स हैं लक्षद्वीप के। एक है कावारत्ती, जो कि कैपिटल है, मिली? ठीक है, जो कि कैपिटल है किसकी, लक्षद्वीप की। तो एक आइलैंड पूरा हो गया। अगाती, मिली? ठीक है, मिनिकॉय, बिल्कुल थोड़ा सा नीचे देखना, और अमीनी। मिनी को बिल्कुल नीचे देखो, मालदीव के पास, मिल गया। ठीक है, तो ये चार इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं। ठीक है, अब इन आइलैंड्स से रिलेटेड देखो क्वेश्चन मैं बता देता हूं। एक तो आपका आएगा
कैपिटल, ठीक है, लार्जेस्ट आइलैंड मिनिकॉय, ठीक है। अब ये बिल्कुल वैसे यूपीएससी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर किस आइलैंड पे एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट अभी तो बना हुआ है वहां पे, ठीक है। अंडमान निकोबार में कहां था, पोर्ट ब्लेयर पे, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर में है एक एक सिंगल वो आपका, मतलब अगर आपको बाई एयर जाना है तो एयरपोर्ट वहां पर है साउथ अंडमान में पोर्ट ब्लेयर पे, ठीक है, क्योंकि एक कार निकोबार में भी है पर वो मिलिट्री का है, ठीक है। स्मॉलेस्ट यूटी, इंडिया की सबसे स्मॉलेस्ट यूटी है, ठीक है। एब्सेंस ऑफ फॉरेस्ट, यहाँ पे आपको फॉरेस्ट नहीं मिलेंगे लक्षद्वीप में, ठीक है। अब ये देखो, अब ऐसे छोटा सा कुछ भी बना लेना, ठीक है। यहां पर है मालदीव बिल्कुल नीचे, ठीक है, मालदीव मिला, मालदीव है, चलो कोई नहीं, वैसे नीचे हम मिनिकॉय के, ठीक है। तुम रफ सा डायग्राम बना लेना, मालदीव है, ठीक है, मालदीव से जैसे जैसे ऊपर आओगे तो मिनिकॉय आइलैंड आता है सबसे पहले, ठीक है, यानी इट इज अ पार्ट ऑफ लक्षद्वीप, यानी इट इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। सबसे बड़ा आइलैंड है इसमें पूरे लक्षद्वीप में, ठीक है, पूरे लक्षद्वीप के जितने भी 36 आइलैंड्स हैं उनमें सबसे बड़ा है मिनिकॉय, ठीक है। और जो पानी है, ठीक है, जो वाटर है किसके बीच में, मिनिकॉय और मालदीव के बीच में जो चैनल है उसको कहते हैं 8 डिग्री चैनल, ठीक है। मिनिकॉय से और ऊपर आओगे तो लक्षद्वीप के आइलैंड्स शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में जो चैनल है उसको कहते हैं 9 डिग्री चैनल, ठीक है। बस ये याद रखना है इसमें दो चीजें, 8 डिग्री और 9 डिग्री। 9 डिग्री किसके बीच में, 9 डिग्री है मिनिकॉय, ठीक है, मिनिकॉय और मेन लक्षद्वीप के आइलैंड्स के बीच में, ठीक है। मिनिकॉय और मेन लक्षद्वीप के आइलैंड मतलब दोनों इंडिया के पार्ट है, ये भी इंडिया का पार्ट है, ये भी इंडिया का पार्ट है, बट लक्षद्वीप के आइलैंड से थोड़ा सा नीचे पड़ता है मिनिकॉय, ठीक है। तो उनके बीच में जो चैनल है वो उसको कहते हैं 9 डिग्री, और मिनिकॉय यानी कि जो इंडिया का पार्ट है और मालदीव के बीच में जो चैनल है वाटर चैनल उसको हम कहते हैं 10 डिग्री चैनल, सॉरी हाँ 8 डिग्री चैनल, 80 डिग्री। ये देखो कोको स्ट्रेट, ग्रेट चैनल, ठीक है, 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री और डनकन पैसेज, ठीक है। तो ये तो है इंटरनेशनली ऊपर वाले, यानी कोको स्ट्रेट अगर हम बात करें तो इंडिया और म्यांमार, ठीक है, इंडिया और म्यांमार के बीच में, और अगर बिल्कुल ही रीजनल देखें तो नॉर्थ अंडमान और कोको आइलैंड के बीच में, ग्रेट चैनल इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में, और बिल्कुल ही रीजनल देखना है तो ग्रेट निकोबार और सुमात्रा आइलैंड, ग्रेट निकोबार इंडिया का, सुमात्रा उनका, ठीक है। फिर 8 डिग्री चैनल जो कि है मिनिकॉय और मालदीव, यानी इंडिया और मालदीव के बीच में, ठीक है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय, यानी कि अब ये 9, 10 और ये आपका डनकन, ये इंडियंस के बीच में, यानी कि मिनिकॉय और ग्रेट निकोबार नहीं, मेन लक्षद्वीप, ठीक है, मिनिकॉय और लक्षद्वीप दोनों इंडिया के पार्ट है। 10 डिग्री अंडमान और निकोबार के बीच में, ठीक है, ये भी दोनों इंडियंस के बीच में। डनकन पैसेज साउथ अंडमान और लिटल अंडमान। सर ये डनकन पैसेज जो है ये भी इंटरनेशनल नहीं, इंडिया का है,
अभी देखा नहीं तुमने, यूं था, चार तीन आइलैंड थे, नॉर्थ, मिडल और साउथ अंडमान, बोले लिटिल अंडमान, ये भी तो इंडिया के पार्ट है, और डंकन पैसेज इनके बीच में था, इनके बीच में, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में। तो याद रखो, कोको, ग्रेट और एट, ये तो इंटरनेशनली है, नाइन, टेन और डंकन, ये इंडियंस के बीच में। ठीक है, तो भाई इतना ही था, ये बस देख लेते हैं। ठीक है, तो आइलैंड्स से भी हो गया फिजियोग्राफी कंप्लीट। एक बार कल के शायद वो क्वेश्चन वो थे ना, लो करना भी। क्या डिवाइड का मतलब? किसी चीज की कमी, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ठीक है, वेस्ट की बात हो रही है, आर समध्यम, ठीक है, एंड इट इज अ नैरो बेल्ट, वेस्ट कोस्टल प्लेस प्लेन्स आर डिवाइड ऑफ डेल्टा एंड कयास। देखो वेस्ट कोस्टल प्लेस यानी कि यहाँ की बात हो रही है, ठीक है, प्लेन्स आर सबमर्जेंट, ठीक है, पर ये देखो ये सबमर्जेंट तो है, एमर्जेंट भी तो है, सबमर्जेंट तो यहाँ तक है, ये है पूरा, ये यहाँ से तो एमर्जेंट भी तो है, ठीक है, तो यहाँ से ये चीजें गलत। अगर ये ईस्टर्न के लिए वर्ड यूज होता और यहाँ एमरजेंट लिखा होता तो पूरा ही एमरजेंट है, पर वेस्टर्न वाला तो यहाँ पे ऊपर तो समरजेंट है, नीचे एमरजेंट है, ठीक है, नीचे तो जमीन बाहर निकली हुई है, तो पहला स्टेटमेंट हो गया गलत। नैरो बेल्ट ठीक है, नो डाउट, ठीक है, बट यहाँ पे गलत हो गया। सेकेंड, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर डिवॉइड, यानी डिवॉइड का मतलब होता है कमी होना किसी चीज की, डिवॉइड ऑफ डेल्टास एंड कयास। देखो डेल्टास की कमी तो मान लिया है, पर क्या तो है ना, doesn't favor the development of natural ports, नहीं बन सकते क्योंकि सारे emergent में, ठीक है, तो अगर natural की बात हो रही है, वैसे तो है, हल्दिया है आपका, पारादीप है, ठीक है, बट वो आर्टिफिशियली है, ठीक है, और जहां पे नेचुरली अगर आपको कोई चीज मिल रही है तो आपको आर्टिफिशियली बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो ये ईस्टर्न वाला जो पार्ट है, ठीक है, इट इज doesn't favor the natural port क्योंकि emergent है, बाहर जमीन निकली हुई है, तो पहली स्टेटमेंट तो ठीक है कि does not favor। सेकेंड, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर ब्रॉडर एंड एलिगेंट, बिल्कुल ठीक है, ब्रॉडर है, किससे रिलेटेड, वेस्टर्न से रिलेटेड, ठीक है, बस। कल ड्रेनेज का कुछ बेसिक्स करेंगे, ठीक है।